सुप्रीम कोर्ट ने जनता की अदालत के रूप में काम किया है, इसलिए जनता को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए, ना ही इसे आखिरी ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए। देश की हर अदालत में आने वाला हर केस संवैधानिक शासन का ही विस्तार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान दिवस पे चल रहे एक इवेंट में ऐसा बोला, हमारे देश का संविधान कई सिद्धांतों को समेटे है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रिया अधिकार, दिशा निर्देश, कानून वगैरह तय किए गए हैं। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत साल 2015 से की गई। देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा, मैं संविधान दिवस के मौके पर भारत के नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। आपको कभी भी कोर्ट में आने से डरना नहीं चाहिए। न्यायपालिका के प्रति आपकी आस्था हमें प्रेरित करती है। आपका विश्वास हमारा श्रद्धा स्थान है। अब जान लीजिए सीजेआई के बयान की बड़ी बातें। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अदालतें अब अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोगों को पता चल सके कि कोर्ट की बंद दीवारों के बीच क्या होता है। कोर्ट की वर्किंग की मीडिया रिपोर्टिंग अदालती कामकाज में जनता की भागीदारी को बताती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन की मदद से अपने फैसले का रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाने का फैसला भी लिया है। पहले केस से लेकर 26 नवंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में 36,068 फैसले सुनाए, लेकिन हमारी जिला अदालतों में कार्रवाई अंग्रेजी में नहीं होती, इसीलिए ये सभी फैसले ESCR प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध हैं, जिसे इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। संविधान दिवस पर हम हिंदी में ESCR लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि 21,388 फैसलों का हिंदी अनुवाद किया गया है और उन्हें ESCR पोर्टल में अपलोड किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, भारत का सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया की एकमात्र अदालत है जहां कोई भी नागरिक CGI को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।